आखिर क्या है कैलाश पर्वत पर कि उसे जानने के लिए अमेरिका भी अपना सैटेलाइट लगा के रखा हुआ है? आखिर क्या है कैलाश पर्वत पर कि चाइना हमेशा अपना हेलीकॉप्टर भेजते रहता है उसकी तस्वीर लेने के लिए, लेकिन कोई हेलीकॉप्टर लौट के नहीं आता है? आखिर क्या है कैलाश पर्वत पर कि हमेशा पर्वतरोही उस पर चढ़ना चाहते हैं लेकिन कोई वापस लौट के नहीं आता है? आखिर क्या है कैलाश पर्वत पर कि इस पर कोई चढ़ नहीं पाता है जबकि उससे भी ऊंचे एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत ही आसान है? आखिर क्या है कैलाश पर्वत पर कि लोग मंगल पर चले गए, चंद्रमा पर चले गए, लेकिन आज तक कोई कैलाश पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंचाया? आखिर क्या होता है उन लोगों का जो कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं? आखिर क्यों कैलाश पर्वत के पास से डमरू और ओम की आवाज आते रहता है? आखिर क्यों? तो दोस्तों सारी बातें इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप भी बम भोले के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों कैलाश पर्वत के ये बारे रहस्य जानकर आप हैरान रह जाओगे, यहाँ तक कि नासा भी चौंक गया, और नंबर 11 और 12 तो आपके होश उड़ा देंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड के नाम अलग अलग अध्ययन में है, जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी, यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इनके बारे रहस्य। नंबर 1, धरती का केंद्र। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव, दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का भी केंद्र है। नंबर 2, अलौकिक शक्ति का केंद्र। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि। यह आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच का एक संबंध बिंदु है जहां दसों दिशाएं मिल जाती है। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। नंबर 3, पिरामिड नुमा क्यों है यह पर्वत? कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिग बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहाँ कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। नंबर 4, शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बत बौद्ध योगी मीला रेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रसिया के वैज्ञानिक की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशलिस्ट मैगनीज के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित की गई थी। हालांकि मीला रेपा ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, इसलिए यह भी एक रहस्य है। नंबर 5, दो रहस्यमय सरोवरों का रहस्य। यहाँ दो सरोवर मुख्य है। पहला मानसरोवर, जो दुनिया के शुद्ध पानी के उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील, जो दुनिया के खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सूर्य और चंद्रमा को प्रदर्शित करते हैं, जिनका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि यह झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई है या फिर इन्हें कोई बनाया है। नंबर 6, यहीं से सभी नदियों का उद्गम। इस कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं में 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सतलज और कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती और चीन की अन्य नदियां भी निकलती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिनमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्व मुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह का मुख, दक्षिण में मोर का मुख है। नंबर 7, सिर्फ पुण्य आत्माएं ही निवास करती है। यहाँ पुण्य आत्माएं ही रह सकती है। कैलाश पर्वत और इसके आसपास के वातावरण का अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की, उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है जिसमें तपस्वी आज भी धार्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी संपर्क करते हैं। नंबर 9, यति मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निरर्थल मानव कहते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव आज भी मौजूद है। नंबर 10, कस्तूरी मृग का रहस्य। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग।
यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधिक गुणों से युक्त होता है, जो इसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशुओं के उत्पादन में से एक है। दोस्तों, अब आता है नंबर 11, डमरू और ओम की आवाज। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र के पास जाएंगे तो निरंतर आपको एक आवाज सुनाई देगी, जैसा कि यहीं कहीं आसपास एरोप्लेन उड़ रहा है। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता हो कि ओम की आवाज सुनाई देती हो। नंबर 12, आसमान में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजें का निर्माण करती है।